शहीद की वीरांगना को पुलिस ने थाने पहुंचाया है। ये तस्वीरें भी इस समय आपके सामने, सीएम योगी से मिलने पहुंची थी वीरांगना ममता रावत, जिनको थाने पहुंचाया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे वीरांगना के पति, और उसके बाद आज उनको थाने पहुंचाया गया। सरकार द्वारा दी गई घोषणाओं को लेकर शिकायत थी, शिकायत करने के लिए पहुंची थी ममता रावत। शहीद कौशल कुमार रावत की वीरांगना है। कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी से मिलने आया था शहीद का परिवार, जिसके बाद उनको पहुंचाया गया। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीद की वीरांगना को पुलिस ने थाने तक पहुंचाया। तस्वीरें सभी आपके सामने हैं। सीएम योगी से वीरांगना मिलने के लिए पहुंची थी, उनको थाने पहुंचा दिया गया है। पुलवामा आतंकी हमले में उनके पति शहीद हो गए थे, जिसके बाद वो कार्यक्रम में आज पहुंची। कुछ घोषणाओं को लेकर, सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर शिकायत थी उनको, जिसके चलते आज वो पहुंची। मैं शहीद कौशल कुमार ममता रावत। आज आप यहाँ क्यों आई हैं यहाँ पर? मैं मुख्यमंत्री से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो आप मिले नहीं गए? अभी नहीं मिली हूँ। अभी ये लोग कह रहे हैं कि मिलवाएंगे, अब देखो कब मिलवाते हैं। हम मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मिलवाएंगे हम। किस बात को लेकर मुलाकात करने के लिए? मेरी दो चार काम है, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलने आई हूँ शहीद के। आप करने बैठी थी, आपकी मांगे पूरी हो तो चुकी थी? सर नहीं, बस वो टीचर विभाग का पैसा एक द्वार का, बाकी का और जो मेरे सभी परिवारों को हुआ है वो कुछ नहीं हुआ है मुझे अभी। क्या क्या मांगे रह गई है आपकी? मांग देखो, एक लाइसेंस बनवाया था वो भी अभी मुझे नहीं दिया। चौराहे का नाम के लिए बोला वो भी अभी नहीं करवाया गया है। क्या बोला गया? मूर्ति को मैं खुलवाने के लिए जब ही बैठी हूँ, जब मेरे सारे काम हो जाएंगे। तुम भी चलो वही, और जो और भी मेरे साथ के परिवार है उनको सब कुछ हुआ है, वो मेरा भी होना चाहिए ना। मैं इसलिए मुख्यमंत्री से मिलने आई हूँ। तो क्या कह रहे हैं मुलाकात? अब मुख्यमंत्री से मुलाकात है, अभी ये लोग कह रहे हैं कभी करवाएंगे, हमने टाइम ले लिया है। आप सुन रहे थे उस वीरांगना को जो कि थाने पहुंचाया गया है, जिनको शहीद की वीरांगना है, जो कि अपने हक की लड़ाई को लड़ते हुए सड़क पर पहुंच चुकी है, उनको थाने पहुंचाया गया। संवाददाता मनीष जैन इस समय आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, ये शहीद की वीरांगना है जिनको शिकायत है कि उनको उन घोषणाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उनको वादे किए गए थे, क्या जानकारी? आपने बिल्कुल सही कहा जी, ये कौशल रावत जी की धर्मपत्नी जो शहीद है पुलवामा की, और प्रशासन ने इनकी जो मांगे थी वो लगभग पूरी कर दी, लेकिन एक जो इनके पति है जो शहीद है उनकी प्रतिमा का अनावरण होना था, ये चाहती थी कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री इनके मतलब उनका शहीद पति का प्रतिमा का अनावरण करें। एक वो मांग जरूर है और उसके लिए कह भी दिया गया था कि उसका अनावरण कर देंगे, और इनकी लगभग कई मांगे इनकी प्रशासन ने पूरी कर ली, और ये मतलब शासन स्तर पर भी ये बात पहुंची है कि इस तरीके से एक शहीद की पत्नी धरने पर बैठी थी। अब इनकी इनका कहना यही है कि उस प्रतिमा का अनावरण किया जाए, और कुछ एक लाइसेंस की बात कर रही है तो लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि जिलाधिकारी का कहना था कि लाइसेंस के लिए मतलब जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मांगे नहीं मांगी गई, लेकिन आज रह गई है, और जो कि कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है अब जैसे। हाँ, लेकिन सम्मान के लिए देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, और उप मुख्यमंत्री जो कि आगरा के प्रभारी है डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो आगरा आए थे, पत्रकारों ने भी ये कहा था कि भाई प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। ये दर्द की बात है, एक शहीद की पत्नी को इसके लिए धरना देना पड़ रहा है, ये भाजपा सरकार के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात है ये, जैसे कि इस तरीके से, तो जैसे कि आप बता भी रहे कि वो धरने पर बैठी हुई थी, अगर वो धरने पर बैठी हुई थी उनको पुलिस वाले थाने लेकर जाते हैं, क्या था इसके पीछे और क्यों उनको थाने लेकर गए? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाँ, कि धरने पर पहले बैठी हुई थी, हाँ, तो वो ये आगरा में ताजगंज क्षेत्र में ताज विलास में जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक चल रही है जिसको नड्डा जी ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और तो मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, तो मुख्यमंत्री से एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज डीएम चाहते तो इनको मिलवा सकते थे, तो यही कारण है कि पुलिस इनको जिससे बवाल ना हो, कोई न्यूज़ क्रिएट ना हो, इसलिए जो है इनको पुलिस अपने साथ ले आई, इनको जो है और मिलवाने की बात कहकर
ये बात सही है कि मुख्यमंत्री से मिलवाना चाहिए था पीएम साहब को, जिलाधिकारी को, लेकिन भाजपा में भी ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए शहीद की पत्नी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। जी बिल्कुल, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और सरकार पर भी सवाल है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक शहीद की वीरांगना को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश के आगरा का मामला है, जहां पर शहीद की वीरांगना पहले धरने पर बैठी हुई थी क्योंकि कुछ घोषणाएं हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।